दुमका पुलिस इन दिनों जनता के प्रति संवेदनशील दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में दुमका एसपी पीताम्बर सिंह खेरवाड़ ने रानेश्वर थाना परिसर में विधायक नलिन सोरेन की उपस्थिति में जनता दरबार का आयोजन किया और रानेश्वर थाना क्षेत्र के सभी मुखिया, जनप्रतिनिधि, जिला परिषद सदस्य तथा आम जनता की समस्याओं को सुना और उसका त्वरित निराकरण किया। जनता दरबार में जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र की अलग अलग समस्याओं को पुलिस अधीक्षक के समक्ष रखा। ग्रामीणों ने कहा कि बालू की समस्या उत्पन्न हो गई है। इस विषय पर एसपी ने कहा कि ग्रामीणों को बालू की समस्याओं से निजात दिलाने हेतु जल्द ही उपायुक्त स्तर से पंचायत में योजना लागू कर बालू उपलब्ध कराई जाएगी। रणनीतिक विषय है और ये एनजीटी का एक मामला बन रहा है, इस पर भी हम लोग काफी गंभीर है। डीसी साहब से हम लोग इस पर चर्चा किए जिसमें कुछ बातें आई है जो आने वाला समय में हो सकता है, एकदम कम समय में, कल हो आज हो या तो कम से कम समय में पंचायत स्तर में कुछ घाटों का बंदोबस्ती पंचायत स्तर पर करने का हम लोग प्रस्ताव ला रहे हैं जो कि स्थानीय बालू की आवश्यकता को पूरा करे। इसके लिए डीएमओ साहब, डीसी साहब और जो खनन टास्क फोर्स का बैठक होता है हम लोग का बीच में, तो पिछला बैठक में ये चर्चा हुआ ये जो बालू का समस्या है, क्योंकि बालू घाट का बंदोबस्ती नहीं है लेकिन सरकारी योजना और स्थानीय आवश्यकता का पूर्ति करने के लिए आवश्यक है, तो इसके लिए एक अभी एक्सरसाइज चल रहा है कि कैसे पंचायत स्तर पर मुखिया लोग कोई डायरेक्टर को नियुक्त करेंगे, वो लोग उसका पर्ची काट के देंगे कि ये योजना विकास योजना के लिए ले जा रहा है, इसका एक्सरसाइज चल रहा है। हो सकता है कि बहुत कम समय में आप लोग के पास आ जाए। न्यूज विंग के लिए दुमका से विजय तिवारी की रिपोर्ट।